हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। गोधरा कांड पर कल पेश की गई नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर जहां एक ओर नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार और बीजेपी की खुशियों का ठिकाना नहीं है, वहीं एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने इस पूरी जांच पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी मुहिम में आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें इस पूरी रिपोर्ट को बर्खास्त किए जाने की अपील की गई और साथ ही तत्काल प्रभाव से इस रिपोर्ट पर स्टे लगाने की मांग भी की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार के अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस याचिका को अब 12 अक्टूबर को सुनने का फैसला किया है। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद, जिसमें कि साफ तौर पर 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों में गुजरात सरकार की किसी प्रकार की भूमिका को क्लीन चिट दे दी गई थी और गोधरा कांड को एक दुर्घटना के बजाय एक साजिश बताया गया था, बीजेपी के तेवर अब काफी कड़े हो गए हैं। अब केंद्र सरकार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेतु समुद्रम और आतंकवाद के मुद्दों पर घेरने के बाद बीजेपी अब इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह डाला है कि अब तमाम उन दलों और राजनीतिक नेताओं को उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इतने वर्षों तक उनको इस मुद्दे पर बदनाम किया है। खैर, अब ये बताना तो काफी मुश्किल है कि कौन कितना सच्चा है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक और बाकी है कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में का फिर से स्वागत है। दिल्ली बम धमाकों में जामिया गिरफ्तार छात्रों के समर्थन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और विद्यार्थियों के समर्थन में उतरने के बाद भारत के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह भी आज खुलकर इनके समर्थन में आ गए हैं और कहा है कि अगर जामिया अपने छात्रों के लिए ऐसा कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अर्जुन सिंह ने आज जामिया के उस फैसले का समर्थन किया है, जिसमें जामिया ने गिरफ्तार छात्रों के लिए कानूनी मदद देने का ऐलान किया है जब तक कि उन पर उनका आरोप साबित न हो जाए। इस मदद के लिए यूनिवर्सिटी में सभी प्रोफेसर और छात्रों ने आपस में ही कुछ रुपए इकट्ठे करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अर्जुन सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अगर देश के मंत्री भी अब अगर आतंकियों का समर्थन करने लग गए हैं तो निश्चित ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो ये तो थी अभी तक की कुछ खास खबरें, पर बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।